chapter of nucleophilic substitution reaction is in progress. Today we will discuss about the comparison between SN1 and SN2 reactions, because we have completed our discussion about each of these reactions in all respect. So now we are in a position where we can compare the main features of these two type of substitution reactions. My course is Organic Chemistry 2 and my name is Dr. Tahir Maqbool. So, सबसे पहले objectives की तरफ आते हैं. The first objective is the comparison of main feature of both of these reactions. Secondly, we will discuss about reactivity of different alkyl halide towards a specific nucleophilic substitution reaction. And finally, we will also discuss the condition which will decide the fate of a nucleophilic substitution reaction, whether it would follow the SN1 mechanism or SN2 mechanism. So these are the objective. Comparison ki taraf chalte hain, main features ki taraf. As ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस की हैं. सो फर्स्ट इज़ वन SN2, एज यू नो इट इज़ अ वन स्टेप मैकेनिज्म, हमने बात की थी. इट इज़ अ कंसर्टेड रिएक्शन, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है और आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच करता है sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम को. वाइल इन केस ऑफ SN1 आपको पता है कि इट इज़ अ टू स्टेप मैकेनिज्म. पहले स्टेप के अंदर अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोकेटाइन बाय द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप. सो सेकंड पॉइंट, एज यू नो मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया SN2 चूँकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो एक ही स्टेप होता है और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और उसके अंदर दोनों ही स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं. कौन कौन सी? दैट इज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड the substrate that is alkyl halide as an example. SN1 की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो स्टेप्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप इज़ दी स्लोएस्ट स्टेप एंड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. उस स्टेप के अंदर आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोकेटाइन बाय द डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप. सो उसके अंदर एक ही चूँकि मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व होता है डे डिटरमिनिंग स्टेप में, तो SN1 को हम यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इट इज़ यूनी मॉलिक्यूलर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल. थर्ड पॉइंट जो है ये बड़ा सिंपल है. इन SN2 रिएक्शन देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीअरेंजमेंट. बट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन एज द कार्बोकेटाइन इज़ फॉर्म्ड, सो for those carbocations which have ability or capacity of rearrangement, they can undergo the rearrangement in order to get themselves more stabilized. Similarly, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से भी बड़ी डिटेल में बात की थी. तो अगर तो आपके पास जो लीविंग ग्रुप है इट इज़ अटैच टू दी एसमेट्रिक कार्बन एटम, तो इन केस ऑफ SN2 आपको प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है. 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है रिलेटिव टू दी रिएक्टेंट. रीज़न उसकी हमने डिस्कस की थी कि यह सिंगल स्टेप रिएक्शन है और बैक साइड अटैक इन्वॉल्व है. SN1 के केस में बिकॉज देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट जो कि प्लेनर होता है, और उस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो अटैक करने के चांसेस हैं लीविंग सॉरी आपके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के, वो दोनों साइडों से होते हैं. लिहाजा वहाँ पे आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, और फिर उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल है. लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होती है? पार्शियल रेसिमाइजेशन होती है. क्यों होती है उसकी रीज़न भी हमने डिस्कस कर ली थी. और लास्ट पॉइंट जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर हम कंपेयर करें तो ये एक दूसरे से रिवर्स है. SN2 में देखें तो मोस्ट एक्टिव इज़ द मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को हमने तय किया था इट विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है? टर्शरी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड मिथाइल एंड प्राइमरी हैलाइड आर द लीस्ट एक्टिव, यानी कि इतने लीस्ट एक्टिव हैं कि दे विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन.
ये एक तरह की समरी भी थी, और वो पॉइंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कंपैरिजन का आ जाता है तो आप इस तरह इनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ अल्काइलाइड्स की रिएक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पे इस टेबल को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे ये चीज़ तो तय है कि टर्शरी अल्काइलाइड जो हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं ओनली। अब उसमें थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की, वो भी हम देख लेंगे दोबारा। तो टर्शरी अल्काइलाइड हो, चाहे वो बेंजीलिक हो, एलिलिक हो, या सिंपल अल्काइलाइड हो, इट विल ऑलवेज गो अंडर अंडरगोज SN1 रिएक्शन ओनली। इसी तरह आपके पास मिथाइल जो अल्काइलाइड स्पेसिफिकली हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या मिथाइल हो, दे विल गिव SN2 रिएक्शन ओनली। और सेकेंडरी अल्काइलाइड में हमने पढ़ा था कि उनके चांसेस SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन देने के उनके पास कैपेसिटी है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस जो कि हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे वो उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि वेदर दे विल अंडरगो SN1 और SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजीलिक एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड जो हैं वो भी SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन देते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी की तो बात समझ आती है क्योंकि सेकेंडरी हमने तय किया है कि वो SN1 भी दे सकता है SN2, लेकिन प्राइमरी बेंजीलिक और प्राइमरी एलिलिक हैलाइड जो हैं उनके अंदर कैपेसिटी SN1 रिएक्शन देने की भी है। तो ये क्यों है, ये रीजंस भी हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। सिमिलरली ये दो स्पीशीज़ हैं, दैट इज़ विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड्स। अब ये कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ना ही SN1 ना ही SN2, चाहे ये प्राइमरी हो सेकेंडरी टर्शरी। तो ये मतलब उसमें तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कोई आता ही नहीं, क्योंकि SP2 हाइब्रिड कार्बन एटम आ जाता है। तो विनिलिक और एलाइल हैलाइड्स हैव नो कैपेसिटी टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑल। सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं की, उसके बाद ये दो पॉइंट्स जो हैं जिसमें हम सेकेंडरी अल्काइलाइड अंडर विच कंडीशन SN1 देंगे या SN2 देंगे ये डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि वाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो भी दोनों ही रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले बेंजीलिक एंड एलिलिक हैलाइड को देख लेते हैं। बेंजीलिक एलिलिक सिस्टम आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजीलिक एंड एलिलिक हैलाइड की, क्योंकि हमने ये अगर पीछे देखें तो ये तय किया ये दोनों SN1 और SN2 रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम SN2 रिएक्शन को देख लेते हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं SN2 रिएक्शन की। ये बेंजीलिक सिस्टम है, इतना ग्रुप एक्सेप्ट क्लोरो अगर निकाल दें तो दैट इज़ बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड बेसिकली बेंजाइल क्लोराइड लिया गया है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 कंडीशन दैट इज़ मैथॉक्साइड लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल मिथाइल ईथर बन गया। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। सिमिलरली ये आपके पास एलिलिक सिस्टम है, आपको याद है एलाइल सिस्टम सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलिलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है एलाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल है। अगर हम आयोपिक नेम की बात करें तो 1-bromo-2-butene है, जो कि एक एलिलिक हैलाइड की एग्जांपल है। इसको भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट इज हाइड्रोक्सल से ट्रीट किया गया अंडर SN2 कंडीशन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2-butene-1-ol। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं उन रिएक्शन किए हैं जिनके अंदर ये SN2 रिएक्शन देते हैं। सो प्राइमरी हमें पता है, अगर हम जनरली अल्काइलाइड की बात करें तो वो SN2 रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ पे इसकी रीज़न या एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वाई दे रेडिली गो अंडर गो SN1 रिएक्शन, स्पेसिफिकली अगर हम प्राइमरी बेंजीलिक और एलिलिक हैलाइड की बात करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मल अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखें तो दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। हमने यही बात की थी, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, लिहाजा प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड हैं दे विल नेवर गो SN1 रिएक्शन, दे विल ओनली गिव SN2 रिएक्शन। बट बेंजीलिक एंड एलिलिक हैलाइड स्पेसिफिकली जो प्राइमरी बेंजीलिक एंड एलिलिक हैलाइड हैं दे कैन
ऑल्सो अंडरगो SN1 रिएक्शन. रीज़न क्या है? बिकॉज दे फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटाइन. वो स्टेबल क्यों होता है? हालांकि प्राइमरी होता है, उसकी रीज़न रेजोनेंस है या डीलोकलाइजेशन है. क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को और करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एग्जांपल है एक डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की, जिसके अंदर आपका जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज़ वेकेंट, बिकॉज दिस कार्बन इज़ नो SP2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज़ गॉट वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज़ अन हाइब्रिडाइज्ड. सो दिस पी एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ वेकेंट एंड दिस पाई बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस पी एटॉमिक ऑर्बिटल. याद है आप लोगों ने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी MSc सेमेस्टर फर्स्ट में या BSc में. तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो सिस्टम थे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें एक सिंपल मल्टीपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड था, और सेकंड जो केस था दैट इज़ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड जो है दैट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दैट पी एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी वेकेंट. यानी कि अगर कार्बोकेटाइन हो तो वो वेकेंट होगा, अगर कार्बेनाइन हो तो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन और या वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है. सो इन ईच केस दिस पाई बॉन्ड बिकम्स इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम. सो ये कॉन्जुगेशन जो है इसके नतीजे पे क्या होगा? दिस पाई बॉन्ड कैन मूव हेयर. सो दिस चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड इन टू दिस ऑर्थो कार्बन एटम एंड देन फर्दर मूव इन टू पैरा एंड देन अगेन इन टू द ऑर्थो. सो दिस कार्बोकेटाइन विल हैव इन टोटल 4 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. सो ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द रिंग, और यहाँ ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा. इसी वजह से ये हालांकि ये प्राइमरी है बट इट विल लीड्स टू दी SN1 रिएक्शन, और ये आपके वीकर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके भी प्रोडक्ट बना देता है. सिमिलरली अगर हम LLA की बात करें तो यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन है. दिस कार्बन SP2 हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज़ अनहाइब्रिडाइज्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज़ वेकेंट विच इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे आपके पास ये 2 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं. इस केस में 3 और हैं और इस केस में 1 और है. यहाँ पे टोटल 4 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे टोटल 2 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि कार्बोकेटाइन को क्या कर रही हैं? स्टेबलाइज कर रही हैं. तो इस रीज़न की वजह से जो प्राइमरी एलिलिक हैलाइड है ये SN1 रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो यहाँ पे आप वाटर के साथ भी इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा वीक न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट विल गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म. सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बेंजीलिक और एलिलिक हैलाइड्स प्राइमरी होने के बावजूद SN1 रिएक्शन क्यों देते हैं. SN2 तो उन्होंने देना ही है. ठीक है, तो SN1 देने की रीज़न क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबलाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन. टर्शरी में पैटर्न बड़ा नॉर्मल है. अगर आप देखें टर्शरी बेंजीलिक हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन नहीं देते. ये बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है जो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड का पैटर्न है, और रीज़न भी वही है स्टीरिक हिंड्रेंस के. टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो अप्रोच बैक साइड है वो स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाती है, क्योंकि स्टीरिक कराउंडिंग बहुत ज़्यादा 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से होती है. तो दे विल नेवर अंडरगो SN2 रिएक्शन. अब विनिलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात करते हैं. हम पिछले टेबल में आपने देख लिया कि दे डू नॉट अंडरगो इधर SN1 और SN2 रिएक्शन. तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं देते? तो उसको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई दे डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, उन्हीं से पूछ लेते हैं. आपको पता है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, उसमें ये तय किया था कि बैक साइड अटैक इज़ द ओनली ऑप्शन. सो द न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू अप्रोच द बैक साइड ऑफ SP2 हाइब्रिड कार्बन एटम टू कैरी आउट SN2 रिएक्शन. अब देखें थोड़ा सा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपके पास ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ लीविंग ग्रुप अटैच है दैट इज़ SP2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसी तरह ये वाली कार्बन जिसके साथ ब्रोमो अटैच है
इट इज़ ऑल्सो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। सो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल ने जब बैक साइड से अटैक करना है तो इट हैज़ टू अटैक ऑन दिस sp2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू गेट अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम और लीविंग ग्रुप ने लीव करना है। सो यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे sp2 आप देख लें, कार्बन जो है दैट सॉरी इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरी कार्बन एटम के साथ। सो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आप याद करें SN2 रिएक्शन में नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के केस में प्राइमरी में हमने याद है बात की होगी, तो आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे उसने उस कार्बन के ऊपर अटैच करना है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली एराइल हैलाइड में भी देखें तो ये वाली जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में, सिंगल स्टेप रिएक्शन में, जब वो बैक साइड अटैक करने के लिए आता है, अप्रोच करता है इस कार्बन को, तो यहाँ पे उसको रिपल्शन मिलती है इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, चाहे वो विनिलिक सिस्टम हो या फिर एलिलिक सिस्टम हो। तो दोनों केस में इट इज़ रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द डबल बॉन्ड और द एरोमेटिक रिंग। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू दिस रिपल्शन। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ कैरीज अलोन आर अ नेगेटिव चार्ज। सो इफ न्यूक्लियोफाइल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, द sp2 कार्बन एटम ऑल्सो हैज़ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डबल बॉन्ड आर एरोमेटिक रिंग, सो दे बोथ विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच किस वजह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने अटैक करना है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम पे, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डबल बॉन्ड का हो या एरोमेटिक रिंग का, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आगे चलते हैं। अब ये SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देता, why do they not undergo SN1 reaction? Reason, विनाइल हो या एराइल हो, अगर आप देखें SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप आपके पास लोएस्ट स्टेप या रीडिटर्मिंग स्टेप जो है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इन अदर वर्ड्स, लीविंग ग्रुप हैज़ टू लीव इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एल्काइल हैलाइड इनटू अ कार्बोकेटाइन। अब इन केस ऑफ विनिलिक हैलाइड्स या एरिलिक हैलाइड्स, दिस लीविंग ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो इफ दिस लीविंग ग्रुप लीव्स, द पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन द कार्बन एटम विच इज़ नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको पता है ना कि नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के केस में जब लीविंग ग्रुप जाता था तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 में चली जाती थी। अब वो ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अब यहाँ से जब लीविंग ग्रुप जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसी तरह का केस आपको एरोमेटिक रिंग के केस में भी मिलेगा, एराइल हैलाइड के केस में भी मिलेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जाएगा, द कार्बन इज ऑलरेडी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सो इट विल गेट इनटू द sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सो इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें पता है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हो तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। तो अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आसानी से सस्टेन कर सकता है कंपेरेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आपने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किया होना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। सो अगर आपका एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल नॉट लाइक टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। सो नतीजा क्या निकलेगा, जो आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये रिजिस्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज लेने से, ये रिजिस्टेंस रिजल्ट्स करेगी इन द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। होप यू गॉट माय पॉइंट। सो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करना मुश्किल होगा। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हो तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाना था, sp2 कार्बन एटम के ऊपर। अगर विनाइलिक हैलाइड हो या आपका एराइल हैलाइड हो तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज किसके सर जाना है, दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड एटम। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल रेजिस्ट टू गेट द पॉजिटिव चार्ज।
सो जब ये पॉजिटिव चार्ज परसीज करेगी, दूसरे लफ्ज़ों में इट विल बी मोर अनस्टेबल, दूसरे लफ्ज़ों में इट विल बी टू अनस्टेबल टू बी फाउंड. सो ये पॉजिटिव चार्ज इतना अनस्टेबल होता है कि ये बन ही नहीं पाता. इस वजह से जो है, जो आपके विनाइलिक हेलाइड्स हैं या एराइलिक हेलाइड्स हैं, दे डू नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन. SN2 नहीं देते थे ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द सबस्ट्रेट. और SN1 क्यों नहीं देते? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज SP का हाइब्रिड कार्बन एटम के ऊपर आता है, दैट इज़ मोर इलेक्टिव, और वो रेजिस्ट करती है. ये रेजिस्टेंस जो है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन. सो विनिलिक कैटाइन हो या एल्काइल हो, दोनों ही दीज आर टू अनस्टेबल टू बी फॉर्म. जब ये बनेंगे नहीं तो SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगा. आगे चलते हैं जी. एक और रीज़न भी है, वो है बॉन्ड ब्रेकिंग. अगर आप देखें SP2 और SP3 सबस्ट्रेट की, हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे, सबस्ट्रेट यानी कि विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड, कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को सिंपल अल्काइल हैलाइड से कंपेयर करें, तो जो लीविंग ग्रुप अटैच है इन केस ऑफ विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, इट इज़ अटैच टू SP2 कार्बन एटम, वाइल इन केस ऑफ नॉर्मल अल्काइल हैलाइड इज अटैच टू SP3 कार्बन एटम. अब अगर एस करेक्टर की बात करें, तो SP2 के अंदर आपके पास, आपको पता है, ग्रेटर एस करेक्टर है 33% कंपेरेटिव टू SP3 विच हैज़ 25% एस करेक्टर. सो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, उतना ही कार्बन का हेलोजन के साथ बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. पता है ना, एस करेक्टर की डिस्कशन आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में भी आप ले सकते हैं. एस करेक्टर ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है एस ऑर्बिटल. तो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, उतना ही वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उतना ही करीब होगा कार्बन के. दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन और हेलोजन उतने ही आपस में एक दूसरे के करीब होंगे, और वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. पोलराइजेशन उतनी ही कम होगी. जो पोलराइजेशन SP3 कार्बन और हेलोजन में है, उसकी निस्बत SP2 और हेलोजन के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या होगी, पोलराइजेशन कम होगी. दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उस स्ट्रॉन्ग हेलोजन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा. तो इसीलिए जो है वो ब्रेक ही नहीं होगा. ब्रेक ही नहीं होगा तो कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा. कैटाइन बने ना बनने की दूसरी वजह ये भी है, ठीक है ना. पहली वजह आपने डिस्कस कर ली थी कि अगर बन जाए तो पॉजिटिव चार्ज SP हाइब्रिड कार्बन एटम के ऊपर आता है, क्योंकि टू अनस्टेबल टू फॉर्म है. ठीक है, अगर नहीं बनता तो सबस्ट्रेट के अंदर क्या रीज़न, अगर आप देना चाहें तो दूसरी रीज़न आप ये दे सकते हैं कि सबस्ट्रेट दो को कंपेयर करें, सिंपल अल्काइल हैलाइड और विनिलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि विनिलिक हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स के जो हैं, उनमें जो लीविंग ग्रुप है दैट इज़ अटैच टू SP2 कार्बन एटम, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ एस करेक्टर. यहाँ पे देख लें आप, अब ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड या ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, अगर आप इसको सिंपल RCl से कंपेयर करें, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप अटैच है किसके साथ, SP2 कार्बन हाइड्रो कार्बन एटम के साथ. तो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स हैं, दीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कम्पेयर टू सिंपल अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिकल अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डिफिकल्ट टू ब्रेक है, रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आगे चलते हैं जी. अब ये दोबारा मैं टेबल वही लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने दोनों की रीज़न बता दी. अब हमने तय कर लिया कि सिंपल मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दे विल ऑलवेज गिव SN2 रिएक्शन ओनली. टर्शरी जो भी हो, बेंजिलिक हो, एलिलिक हो, अल्काइल हैलाइड हो, दे विल ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन. विनाइलिक हैलाइड हो या एराइल हैलाइड हो, वो ना SN1 देंगे ना SN2. तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई. अब ये दोनों रह गए कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 देगा, ये सिंपल की बात करें. लेकिन अगर बेंजिलिक हो तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों SN1 भी दे सकते हैं SN2. ये रीज़न हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो ये भी हमने तय कर लिया ये क्यों नहीं देते, और ये भी तय कर लिया कि ये दोनों क्यों देते हैं. हमने सेपरेटली देख लिया SN2 क्यों देते हैं उसकी रीज़न, और SN1 क्यों देते हैं उसकी रीज़न देख ली.
अब हम हमारे पास रह गया कि सेकेंडरी एल्काइलाइड के अंदर कैपेसिटी है दोनों रिएक्शन देने की, और सिमिलरली बेंजीलिक और एलीलिक हैलाइड जो प्राइमरी और सेकेंडरी उनके अंदर भी दोनों देने की कैपेसिटी है, तो ये फिर कौन सा रिएक्शन देंगे? SN1 देंगे, SN2 देंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिस्कशन है आगे। दूसरे लफ्ज़ों में इस ये जो ब्रेसिस के अंदर ये केसेस हैं, ये जो दोनों क्लासेस हैं दैट इज सेकेंडरी एल्काइलाइड और प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजिलिक एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड्स, ये इनके अंदर चूंकि दोनों रिएक्शन देने की कैपेसिटी है, सो वी हैव टू डिस्कस द कंपटीशन नाउ। क्योंकि अब यहाँ पे जब हम इनके साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 पॉसिबल है, SN2 पॉसिबल है, तो फिर जब दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म पॉसिबल हैं तो देयर वुड बी अ कंपटीशन। तो कंपटीशन कौन जीतेगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस कंपटीशन को डिसाइड करेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन होना चाहिए। सो व्हेन एन अल्काइलाइड कैन अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बोथ रिएक्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपके सबस्ट्रेट के अंदर दोनों रिएक्शन देने की कैपेसिटी है। सो विच ऑफ दिस रिएक्शन विल प्री डोमिनेट, जीतेगा कौन या किसकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगी? आंसर इज सिंपल, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज कैरीड आउट। क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट है उसके पास तो कैपेसिटी दोनों रिएक्शन देने की है, तो फिर आपकी जो कंडीशंस हैं, आपका न्यूक्लियोफाइल है, आपका सॉल्वेंट है, वो बेसिकली डिसाइड करेंगी कि जो रिएक्शन है उन SN1 या SN2 प्रोडक्ट्स में से किसने डोमिनेट करना है। अब इसको हमने तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड वन इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड वन इज़ द सॉल्वेंट या रिएक्शन मीडियम आप उसे कह लें जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं दैट विल डिसाइड कि कौन सा रिएक्शन SN2 और SN1 डोमिनेट करेगा, ओनली इफ आपके पास अगर अल्काइलाइड के अंदर दोनों रिएक्शन देने की कैपेसिटी है। सो SN1 को कौन सी कंडीशन फेवर करेंगी, SN2 को कौन सी कंडीशन फेवर करेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी रीज़न क्या है? हमेशा जो है SN1 के केस, SN2 के केस में देखें तो आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिलती है, क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप है, कंसर्टेड है, बैक साइड अटैक होता है, देर इज़ नो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। SN2 के केस में एक ही प्रोडक्ट बनती है, लेकिन SN1 के केस में चांसेस हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ आपका लीविंग ग्रुप अटैच है तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, दो इनेंशियोमर्स बन सकते हैं। ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि जनाब कंप्लीट रेसिमाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि 50% ईच भी बन सकती हैं, और ज़्यादातर केसेस के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मोर प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं SN1 में, तो एक अगर अल्काइलाइड है जो कि SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो गए कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगी या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। फिर SN1 के केस में एक और कॉम्प्लिकेशन है कि अगर कार्बोकेटाइन, चूँकि हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी अल्काइलाइड सिंपल हो या प्राइमरी सेकेंडरी बेंजीलिक एलिलिक हैलाइड हो, तो जहाँ पे सेकेंडरी आ जाएगा इट हैज़ कैपेसिटी टू अंडरगो अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो अगर इसी तरह प्राइमरी है वो सेकेंडरी में जा सकता है। तो दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट SN1 के केस में पॉसिबल है। तो जब दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी जना आपके आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी मिक्सचर ऑफ एनेंचियोमर्स बन सकता है या फिर रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो अगर तो SN2 रिएक्शन हो तो हर चीज़ अच्छी है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बनती है, लेकिन अगर SN1 रिएक्शन होता है तो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस बेस पे यहाँ पे कहा जाता है कि SN2 रिएक्शन इज़ अ सिंथेटिक केमिस्ट फ्रेंड है, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट आपका रिएक्शन लीड कर रहा है, एंड देर इज़ नो बॉदरिंग ऑफ सेपरेशन और आइसोलेशन फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। लेकिन SN1 रिएक्शन के केस में आपको पता है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकती हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज केमिस्ट्स नाइटमेयर। सो इस चीज़ को हम लेके चलेंगे आगे कंपटीशन को, कि SN2 और SN1 का कंपटीशन कौन सी चीज़ें डिसाइड करती हैं। जो तीन कंडीशन हमने तय की हैं उनको हम वन बाय वन डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
फर्दर रीडिंग के लिए प्लीज़ कंसल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला वाइब्रूस. अप टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह.